हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्वाति योर इंग्लिश वीडियो वी आर गोइंग सी सेक्शन ऑफ दिक्कस इंग्लिश चैनल बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज सस्पेंस इन सतपुड़ा तो सतपुड़ा के जो जंगल होते हैं वहाँ पे क्या सस्पेंस है वो हमें यहाँ पे पता लगने वाला है ये एक छोटा सा है फैक्चुअल है सो लेट्स द चैप्टर वी स्टार्ट आउट from द फॉरेस्ट लॉज जस्ट बिफोर डे ब्रेक तो यहाँ पे एक पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है सो so, जो हमारे नरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट के जो लॉज है जो उनका रेस्ट हाउस था वहाँ से स्टार्ट किया जस्ट बिफोर डे ब्रेक सो यू नो दिस थिंग एंड इफ यू डो नॉट नो जब भी आप कभी किसी फॉरेस्ट एडवेंचर पर जाते हो सफारी पर जाते हो तो यू के नॉट स्टार्ट एट इन द मॉनिंग और टेन इन द मॉनिंग यू हैव टू स्टार्ट एकदम फोर ओ क्लॉक और थ्री थर्टी सो दैट यू कैन एक्चुअली सी द एनिमल्स और यू कैन इंजॉय द सनराइज इन ऑल दोज थिंग्स सो दे स्टार्टेड जस्ट बिफोर डे ब्रेक द फॉरेस्ट इज सो साइलेंट दैट आई कैन ओनली हेयर द रल ऑफ द साल लीव्स सो नाउ द नरेटर इज सेइंग कि फॉरेस्ट इतना ज़्यादा साइलेंट है कि जो सिर्फ साल लीव्स तो साल लीव्स क्या है ट्री की लीव्स के बारे में बात हो रही है कि वो सिर्फ जो उनकी जो रसल होती है मतलब उनकी जो पत्तियां हिलने की जो आवाज होती है सिर्फ वही आ रही है द वाइट घाउस ट्री होल्ड माई गेज फॉर अ वाइल्ड एज द सन फर्स्ट गोल्डन वेज शाइन टू द्रांचेस इज अ ट्री द वाइट घोस्ट ट्री उस पर मेरी नजर पड़ती है होल्ड्स माई गेज मतलब मैं मेरी उस पर नज़र पड़ती है और ठहर जाती है फॉर अ वाइल्ड जैसे ही सन की जो फर्स्ट गोल्डन रेज है उस पेड़ पर पड़ती है तो मैं बस उसको देखता हूँ और देखता ही रह जाता हूँ द awakens स्लीपीली a टू अ न्यू डे और जैसे ये सन की जो रेज हैं ये पत्तियों पे पड़ती हैं फॉरेस्ट में पड़ती है तो ऐसा लगता है फॉरेस्ट जो अभी तक सो रहा था सडनली इट हैज gotten आप एक नए दिन की शुरुआत के लिए द नेचुरलिस्ट and the forest guide are deep in discussion about the previous day's unexpected bear sighting. Now, naturalist, who is a naturalist? अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स एंड अदर लिविंग बींग्स तो एक नेचुरलिस्ट वो होता है जो किसी भी लिविंग बींग को स्टडी करता है स्पेशली द प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स ऑल दीज थिंग्स सो एक नेचुरलिस्ट और जो हमारा फॉरेस्ट गाइड था देवर डीप इन डिस्कशन वो लोग एक बहुत ही गहरे डिस्कशन में लगे हुए थे कि किस तरीके से एक दिन पहले जब हम फॉरेस्ट में थे तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से तो जो हमने नहीं सोचा था उस तरीके से जो हमें बेर्स दिखे थे तो वो लोग उस बारे में डिस्कस कर रहे थे दे सडनली स्टॉप इन मिड कॉन्वर्सेशन और अचानक से जो वो कॉन्वर्सेशन था उन्होंने रोक दिया the silence is broken by the distinct sound of a somber deer's alarm call deep in the forest aur wo jo silence tha jo forest pura ekdam silent tha achanak se wo silence break hua kaise break hua ek somber deer hai उसने एक बहुत जोर से आवाज लगाई है मतलब उसने एक alarm call दिया है deep in the forest. टाइगर बैर और लेपर्ड इज इन दिस तो इन्होंने क्या करते हैं जो डेयर डेर होते हैं इफ देर इज सम का ये अपने पूरे हर्ड को अलार्म देते हैं तो वो जो है बहुत जोर से आवाज निकालते हैं इट्स इट्स नोन एज अ कॉल अलार्म कॉल ताकि सबको पता चल जाए दैट उस विसिनिटी में विसनिटी मतलब उस एरिया में मे बी देयर इज अ टाइगर और अ बैर और अ लेपर्ड हू कैन हार्म दैम वी हैड इन द डरेक्शन ऑफ द डिओ कॉल वाइल लंगोस चाइन फ्रॉम द ट्रीज अबव देअर कफ लाइक अलार्म कॉल इज गिविंग मी गूस पिम्पल्स नाउ वी हैड इन द डायरेक्शन ऑफ द डियर्स कॉल तो जहां से हमें वो आवाज आई थी हम उस डिरेक्शन में जाने लगे वाई लंगोस ट्रीज अबाउट जो लंगोस थे वो ट्रीज में ऊपर जो है वो झूल रहे थे देअर कफ लाइक अलार्म कॉल इज गिविंग मी गूस पिम्पल्स उनके जो उनका भी एक अलार्म कॉल होता है लेकिन उनका अलार्म कॉल ऐसा होता है जैसे कोई कफ किसी को हो रहा है तो उसकी वजह से आई गॉट गूस पिम्पल्स गोज पिंपल्स इज नथिंग बट गूस बम्ब जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पर हैप्स यू हैव बीन ऑन अ सफारी इन एन इंडियन नेशनल बार्क पार्क तो इंडियन नेशनल पार्क में हो सकता है आप कभी सफारी पर गए हुए हों तो यू मस्ट है यू मे हैव फेल्ड एक्साइटमेंट ऑफ बींग इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेडेटर और अटर बिग कैट हो सकता है जैसे आप कभी इंजन सफारी में गए हो कहीं पे भी सो so, वहाँ पे से आप काना नेशनल पार्क गए हो या फिर आप कहीं यू नो बांधवगढ़ गए हो तो वहाँ पे जब कोई एक प्रेडेटर आपके आसपास है या कोई बोलता है यहाँ आसपास कोई लैन है या टाइगर है तो किस तरीके से हमारा एक्साइटमेंट बिल्डअप हो जाता है आई फेल्ट इट टू एक्सेप्ट माई एक्साइटमेंट वॉज टिंगड विद कोल्ड फियर बिकॉज वी वर नॉट इन जीप एज वी ड्रू नियरर टू द अलार्म कॉल्स तो उसने भी वही नरेटर कह रहे हैं कि मुझे भी सेम एक्साइटमेंट फील हो रहा था लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्यों क्योंकि वेन वी गो अगर आप आप कभी भी कोई सफारी पे गए हो या आपने कोई यूट्यूब पे चैन मतलब यू you नो know, सफारी का वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा यूजली दे आर ऑल इन अ जीप और जहां पे वो सेफ होते हैं बट हियर दे वर नॉट इन अ जीप ये लोग जीप में नहीं थे एंड वर गोइंग टू दिडेडर वी वर ऑन फुट इन द फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश फिल्मिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट्री वी वर ऑन फुट ऑन फुट का मतलब होता है वो नंगे पैर चल रहे थे कहाँ थे वो लोग सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ वो कहाँ जा रहे हैं एक जहाँ से अलार्म कॉल आया है मतलब जहां पर शायद कोई प्लेडेटर है अबे कैट विच मीन्स इट कैन बी अपर्ड इट कैन बी अ टाइगर इट कैन बी अल एनी थिंग

सो so, हम उस अलार्म कॉल को फॉलो कर रहे थे अब अलार्म कॉल्स कौन कौन दे रहे थे एक तो सांबर दे रहे थे उसके अलावा लंगूस दे रहे थे अब हम उन अलार्म कॉल को फॉलो करते करते आगे जा रहे थे बट आई शडर्ड एट द आइडिया शडर्ड का मतलब होता है आई वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर मतलब मुझे डर के मारे मैं मेरी कप छूट रही थी ये सोचते हुए कि एक ही ग्राउंड में मैं अपना जो ग्राउंड है वो शेयर करने वाला हूँ किसी लेपर्ड के साथ या बैर के साथ या टाइगर के साथ यू नो शेयरिंग द ग्राउंड मतलब एक ही जगह खड़े होना विद टिप टोड क्लोजर एंड क्लोजर टू द डेंस फॉलियाज तो हम लोग टिप मतलब दबे पाँव से हम आगे की तरफ बढ़ने लग गए फॉलियाज का मतलब होता है लीव्स फ्लावर्स एंड ब्रांचेस टू द डेंस मतलब जो घना जंगल था उसकी तरफ बढ़ने लगी वी होप आर कैमोफ्लाज क्लोदिंग वुड हेल्प इन द सराउंडिंग्स नाउ वेन एवर यू आर इन अ फॉरेस्ट यू डू नॉट वेयर रेड और येलो और ब्लू कलर्स आपको डार्क कलर्स पहनने होते हैं जैसे आप ब्लैक कलर पहनो या आप जो है एकदम जो कैमोफ्लाज होता है जो ग्रीन एंड लेपर्ड प्रिंट होता है उस तरीके के आप ड्रेसेस पहनो ताकि आप ना पत्तियों में चाहो तो छुप जाओ मतलब आप एकदम से अलग तरीके से दिखने नहीं चाहिए तो ही वॉज होपिंग कि जो हमने अपना जो कामऑफ्लॉज जो क्लोदिंग पहना हुआ है मे बी दैट कैन हेल्प एड्रेनालाइन वास्ड थ्रू माई बॉडी एंड गूस पिम्पल्स कवर्ड माई आर्म ना वट इज एड्राइन Adrenaline is a substance produced इज the प्रोड्यूस इन द बॉडी angry, वन इज afraid एक्साइटेड मेक्स द हार्ट बीट फास्टर सो ये बेसिकली एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है आपकी बॉडी में यू आर वेरी एंग्री और एक्साइटेड और यू आर नर्वस तो क्या होता है आपकी बॉडी में एक एड्रेनालाइन वॉश आता है जिसकी वजह से यू गेट गूस बम्स और आपको अंदर जो पेट में नहीं बटरफ्लाईज वाली फीलिंग आती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वैश तो ही वॉज फीलिंग द सेम थिंग देन जस्ट एज सडनली एज द अलार्म कॉल्स है स्टॉप्ड फिर जैसे ही अलार्म कॉल स्टार्ट हुए थे अचानक से वो स्टॉप हो गए अचानक से स्टार्ट हुए थे अचानक से स्टॉप हो गए बट माई एक्साइटेड ब्रेन मेड मी इमेजिन अ प्रडिटर वॉज ब्रीदिंग क्लोज बाय लेकिन जो मेरा एक्साइटेड ब्रेन था मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि आसपास कोई प्रेडेटर है प्रेडेटर मतलब क्या होता है प्रेडिटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज गोइंग टू अ पर्सन नहीं एनी थिंग विच इज गोइंग टू अटैक सो लाइक इफ्स अ लायन लायन इज गोइंग टू अटैक लायन इज अ प्रेडिटर सो कोई था आस पास वी इमर्ज फ्रॉम द बुश रिलीव्ड बट डिसअपॉइंटेड एज वेल हम लोग जैसे उस बुश में से बाहर निकले जो एकदम फोलियाज था तो हम लोग मतलब वी वर रिलीव्ड कि ओके कोई शायद है नहीं बट वी वल्सो डिसअपॉइंटेड As we came out of the trail, we were met by curious spectators in forest jeeps. तो जैसे ही हम लोग बाहर आए तो we were met by बहुत सारे curious spectators थे forest jeeps में

तो नेक्स्ट डे हम लोग ने एक पब्लिक बोट ली अक्रॉस द डेनवर रिवर और उसके बाद वहाँ से हमने एक फॉरेस्ट जीप कर ली Those forest trails, brimming with activity on the ground and up in the air, never failed to get my adrenaline racing. to jitne bhi forest trails the now brimming with activity on the ground and up in the air ka matlab kya hai नीचे कहीं हो सकता है, there is a snake, or there are deers, or there are bears. मतलब कुछ ना कुछ आपको नीचे दिख रहा है, plus up in the air there are so many different birds, variety of birds. तो ये brimming मतलब भरे हुए थे एक्टिविटीज़ से जो ग्राउंड पे हो रही है जो यू नो आसमान में हो रही है तो इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसकी वजह से जो एड्रन रेस हो रहा था मतलब ही वाज एक्साइटेड ऑल द टाइम A muggle crocodile basking in the sunshine on the banks of a pond with its mouth wide open, a wild girl with a one-day-old calf, a giant squirrel playing in the branches of a tree, magnificent birds, a jungle cat in the bushes, and a sloth bear casually nibbing on grass and crossing the path before us, and another one wandering further into the... Wandering further into the wilderness, the forest is a very exciting friend. So forest may, what all did they see? They saw a muggle crocodile, which jo, jo hai. like it was like taking all the sunshine, taking a sun bath. उसके अलावा उन्होंने क्या देखा एक वाइल्ड गौर को देखा जो कि जिसके साथ उसका सिर्फ एक दिन ओल्ड काफ था उसका बच्चा था एक जॉइंट स्क्विजल देखा जो ब्रांचेस में खेल रहा था मैग्निफिसेंट बर्ड्स एक जंगल कैट जो बुशेस में थी एक स्लॉथ बेयर जो बस जो है वहाँ पे घास खाते हुए जा रहा था और एक और जो था वो भी आसपास कहीं घूम रहा था दारेट था द फॉरेस्ट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फ्रेंड मतलब फॉरेस्ट इज फुल ऑफ Amazing creatures you can be in the forest and of course you will learn a lot. It has been weeks since my trip to the national park, but I can still close my eyes and dream that I'm in Satpura walking by the light of dimly lit lanterns. My head turned skywards as stars begin to appear everywhere above me. सो so, मैं नेशनल पार्क से आए हुए मुझे काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं लेकिन आज भी मैं अपनी आंखें खोल बंद करता हूं एंड आई कैन ड्रीम कि मैं इस वक्त सतपुड़ा में हूं जहां पे मैं चल रहा हूं मेरे हाथ में लैंटन्स हैं जो कि बहुत डिमली लिट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला आप नहीं कर सकते और जैसे ही मैं अपना जो सर है वो स्काई की तरफ लेके जाता हूँ तो ऐसा लगता है जहाँ मैं देख सकता हूँ वहाँ हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्स हैं बिकॉज़ वहाँ पोल्यूशन नहीं है और वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं सो आई कैन स्टिल हेयर स्टोरीज अबाउट द डे साइटिंग्स विद द नेचुरलिस्ट एंड फेलो ट्रेवलर्स आई कांट वेट टू गो बैक सम डे मैं आज भी मतलब जो नेचुरलिस्ट हैं जो फॉरेस्ट गाइड्स थे जितने भी लोग हमारे साथ गए थे कितनी स्टोरीज बताते हैं वो सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आइट एस कॉन्ट वेट टू गो बैक देर वन डे

जहां आपने एक नारेटर ने जहां पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है व्हेन ही वाज वे देयर इन दिस विद दिस वाइल्ड लाइफ ओके नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, सो यू हैव बीन गिवन अ कॉन्टेक्स्ट एज ऑलवेज एंड यू आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन दे लुक डैट अस इन अमेजमेंट फ्लैशिंग देअ शाइनी कैमराज टू बैड वी वन ऑट टाइगर डज दे रेफर टू दे मतलब किसकी बात करें दे रेफर टू द क्यूरियस स्पेक्टेटर्स इन फॉरेस्ट जीप्स मतलब जो वहाँ पे कुछ ह्यूमन्स थे जो लोग फॉरेस्ट जीप्स में थे उन्हें लगा शी शायद अंदर से कोई आ, शेर आने वाला है लेकिन कौन आया हम आए सो दे यहाँ पे क्या रेफर करता है दे रेफर्स टू क्यूरियस स्पेक्टेटर्स इन फॉरेस्ट जीप्स नेक्स्ट इज हु वर दे लुकिंग ऐट वो लोग किसको देख रहे थे देवर लुकिंग एट द नारेटर एंड अदर पीपल हु फॉलोड द अलार्म कॉल्स ऑफ सांबर डियर एंड लंगूज वो लोग किससे देख रहे थे नारेटर और नारेटर के साथ जो नेचुरल था फॉरेस्ट गाइड था और जो बाकी के लोग थे जो ये सांबार डियर और लंगूर के कॉल्स को फॉलो कर रहे थे उन लोगों को देख रहे थे सो देवर लुकिंग एट द नारेटर एंड अदर पीपल हु फॉलोड द अलार्म कॉल्स ऑफ सांबर डियर एंड लंगूज सिंपल

नरेटर कौन से नेशनल पार्क गया था सतपुरा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है मध्य प्रदेश में क्यों गया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू फिल्म अ डॉक्यूमेंट्री सो हम आंसर क्या लिखेंगे द नरेटर वॉज विजिटिंग इन सतपुरा नेशनल पार्क फिल्मिंग फॉर अर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर वो एक फिल्म कर रहा था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा था वाई डिट द नरेटर एंड द क्रियू हेड इन द डिरेक्शन ऑफ द डियर्स कॉल सो नरेटर उसका जो पूरा क्र्यू था उसके साथ जितने भी लोग थे वो डियर का जो कॉल आया था वहाँ पे उन लोग क्यों जाने लग गए द नरेटा एंड द क्रियो हैडेड इन द डिरेक्शन ऑफ द डियर्स कॉल फॉर टेकिंग शॉर्ट्स ऑफ द फिल्म वो अंदर क्यों जाना चाहते थे कि मे बी दे वुड सी द टाइगर अटैकिंग द डियर और मे बी डियर्स अवे या टाइगर को देखेंगे तो बेसिकली दे गेट समर्ट्स फॉर द मूवी दैट दे आर फिल्मिंग सो उस फिल्म के शॉर्ट्स के लिए दे वॉन्टेड टू फॉलो देम ओके वाई was the सिचुएशन मोर fearful एंड देन एक्साइटिंग फॉर द crew? अब ये पूरी सिचुएशन जो थी एक्साइटिंग थी थी लेकिन उससे ज्यादा फेयरफुल थी क्यों थी बिकॉज दे वर गोइंग टू द प्रिडेटर एंड दे वर नॉट इवन इन अ जीप दे वर ऑन फुट राइट द सिचुएशन वॉज मोर फेयरफुल देन एक्साइटिंग फॉर द क्रू बिकॉज अ प्रिडिटर वॉज ब्रीदिंग क्लोज बाय देम क्योंकि उन्हें क्या लगा कि उनके आस कोई प्रिडिटर है जो बहुत पास में है एंड यू कैन जस्ट एड वन मोर लाइन एंड देवर ऑन फुट देवर ऑन फुट राइट यू कैन राइट दिस थिंग एज वेल यू कैन एड दिस पॉइंट चलो नेक्स्ट देखते हैं What did the narrator see on the other side of the Denwa River? So, Denwa River ke other side pe narrator ne kya dekha? The narrator saw on the other side of the Denwa River a Mugger crocodile with its mouth wide open. A mugger crocodile, it's a type of crocodile. Just a wide open. a wild gull with a one-day old calf, a giant squirrel, magnificent birds, a jungle cat, and a sloth bear. Okay? वट डज द नरेटर स्टिल ड्रीम अबाउट नरेटर आज भी किस चीज के बारे में ड्रीम करता है द नरेटर स्टिल ड्रीम्स अबाउट सतपुरा नेशनल पार्क ही कैंट वेट टू गो बैक समे वो आज भी सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में ड्रीम करता है एंड ही कैन नॉट वेट टू गो बैक समे ही वॉन्ट्स टू गो अगेन वट डज द पोएट मीन बाई द फॉरेस्ट इज अ वेरी एक्साइटिंग फ्रेंड एक लाइन बोली थी पोएट ने की पोएट नहीं सॉरी राइटर ने कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फ्रेंड है क्यों बोला उसने ऐसा द द राइटर सेज सो बिकॉज द फॉरेस्ट गिवस शेल्टर फॉर मेनी क्रिएटर्स एंड वेरी गुड टू स्पेंड देयर विद देम

प्लेस टू स्पेंड दे विद डेम सो मतलब एंड लाइक फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के साथ जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं द क्रिएटर्स रियली बिहेव लाइक फ्रेंड्स और जो क्रिएटर्स हैं जितने भी हैं वहाँ पर भले वहाँ पर जो है प्रेडिटर्स हैं डर हैं ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ़ द टाइगर एंड ऑन लेकिन वो उनका घर है वो सब जो है फॉरेस्ट उनका घर है दैट्स व इट्स लाइक अ फ्रेंड हु टेक्स केयर ऑफ यू हु लव्स यू हु प्रोटेक्ट्स यू वॉट क्रिएटेड द सस्पेंस ज्यूरिंग द नरेटर्स ट्रिप टू सतपुरा नेशनल पार्क तो जब नरेटर जो थे वो सतपुरा नेशनल पार्क में थे तो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ था वो क्या था द अलार्म कॉल्स ऑफ सांबर डियर एंड मेनी अदर प्रेडिटर्स वराइटीज ऑफ बर्ड्स एंडटिंग टू डेनवा रिवर क्रिएटेड द सस्पेंस ज्यूरिंग द नरेटर्स ट्रिप टू सतपुरा नेशनल पार्क तो ये सारी जो चीज़ें थी जो अलार्म कॉल्स थे प्रेडिटर्स थे इतने सारी बर्ड्स थे और जब डेनवा रिवर तक गए वो लोग तो यहाँ पर हर चीज एक सस्पेंस थी बिकॉज दे डिड नॉट नो कि आगे उन्हें क्या दिखेगा डिड द नो कि जब वो डेनवा रिवर पर पहुंचेंगे तो ऑन दी अदर साइड सी अल माउथ वाइड ओपन या क्या उन्हें पता था कि उन्हें गौर मिलेगा क्या उन्हें ये पता था कि वहाँ पे मैग्निफिसेंट बर्ड्स मिलेंगे नो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज अ सस्पेंस ऑन एवरी स्टेप यू डोंट नो व्हाट यू विल सी दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज सस्पेंस इन सतपुड़ा नेशनल पार्क ओके सतपुड़ा सस्पेंस व्हाट डू यू थिंक वर द रीजन्स फॉर द राइटर्स एक्साइटमेंट एंड फेयर ड्यूरिंग द सफारी सफारी के टाइम पे राइटर बहुत एक्साइटमेंट भी था एक्साइटेड भी था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था क्यों था बिकॉज दे वर एक्साइटेड दे वर गोइंग टू सी अ ऑफ थिंग्स बट देन दे वर ऑन फ़ुट सो द रीजन्स फॉर द राइटर्स एक्साइटमेंट एंड फेयर ड्यूरिंग द सफारी वर द प्रेजेंस ऑफ क्रिडिटर्स इन दसिनिटी क्योंकि विसिनिटी में कौन थे प्रिडिटर्स थे मतलब जंगली जानवर थे can हम लोग जो थे बुश से जब बाहर आए तो वी वॉज रिलीव वाई वी रिलीव बिकॉज देर वॉज नो प्रयर एंड दे वेड ऑल्सो वाई बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी सम्मेयर डॉक्यूमेंट्री

वो वहां पे जो भी करना चाहते थे इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग दे वर एक्सपेक्टिंग टू स्पॉट प्रेडिटर्स और सम एक्शन Okay, so here yeah, the narrator felt so because they were expecting to spot predators or some action, but there was no one. Right, there was no one apart from there was no one apart from some. You can say, "Kya koion Some humans with cameras, right? So they were relieved because they were no predators, but they were scared because they were on foot. Okay, so the, the narrator felt so because they were expecting to spot predators or some action, but there was no one apart from some humans. Okay, so you can write it like this as well. Next, देखे अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन में सो so, ग्रामर में हियर वी हैव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस रीड दी सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डे द फॉरेस्ट लुक्स ब्यूटिफुल वी वर टोल्ड नॉट टू गो इन टू द फॉरेस्ट एट नाइट एज इट वॉज डेंजरस विच ग्रुप ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स इज अ फ्रेज एंड विच इज अ क्लॉज नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स Phrase is a group of words which do not have a combination of subject and verb. For example, if I write at the top, at the top. Now, can you tell me what is at the top? What is at the top? No. Can you tell me what is happening at the top? No. So, these, this group of words is known as a phrase because it has no subject and no verb. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं हो हो सकता है सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है हो सकता है सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब है और हो सकता है सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है सो दिस इज अ फ्रेज क्लॉज क्या होता है क्लॉज इज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट उसमें सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है और वर्ब होना भी कम्पल्सरी है तो इफ यू विल सी एट दीज टू सेंटेंसेस लुक हियर ड्यूरिंग द डे दिन के समय में दिन के समय में क्या दिन के समय में कौन यू हैव नो आइडिया नाउ दिस इज अ ग्रुप ऑफ दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज नोन एज अ फ्रेज एज इट वॉज डेंजरस एज इट वॉज डेंजरस नाउ सी इट ये तुम्हारा सब्जेक्ट है एंड वॉज इज योर हेल्पिंग वर्ब सो हियर यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब सो दिस इज एक्चुअली अ क्लॉज नाउ फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब और बोथ या तो सब्जेक्ट नहीं होता या तो वर्ब नहीं होता या दोनों नहीं होते क्लॉज इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड इट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस फ्रेज कभी भी पूरा सेंस नहीं देते लेकिन जो क्लॉज है वो पार्शियल सेंस दे देगा या कंप्लीट सेंस दे देगा पार्शियल सेंस क्यों देता है जैसे अगर आपका कोई डिपेंडेंट क्लॉज है तो वह आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता लेकिन अगर इनडिपेंडेंट क्लॉज है तो कंप्लीट सेंस देता है जैसे कि अगर मैंने बोला As, okay, uh, let's say, um, if I say, um, however, she will leave. However, she will leave. However, she will leave. हाँ मतलब ठीक है लेकिन फिर भी वो चले जाएगी उसके पहले क्या? If I, if I'll come, अगर मैं आऊँगा तो क्या? ना दीज सेंटेंसिस दे डू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड आर प्रॉपर क्लॉजिज बट देन दे डू नॉट गिव अस द कंप्लीट आंसर कंप्लीट सेंस तो इन्हें जो कंप्लीट सेंस नहीं देते उन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करते हैं तो नाव इसमें जो है क्लॉजेस का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ये क्लॉज होते क्या है फ्रेजेस क्या होते हैं किस तरीके के क्लॉजेस होते हैं फ्रेजेस होते हैं सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर ओके सो यहाँ भी हम देखते हैं कि नो सब्जेक्ट वर्ब और बोथ कंप्लीट सेंस नहीं देता एंड नीड्स अदर वर्ड्स टू कम्प्लीट द मीनिंग और इसमें जो है और आपको वर्ड्स एड करने होते हैं ताकि मीनिंगफुल हो जाए सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है या तो कंप्लीट सेंस देता है या तो इनकम्प्लीट सेंस देता है अब इसमें जरूरी अगर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तो वर्ड्स जरूरी है अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वर्ड्स जरूरी नहीं है अब यहां पे आपको क्या करना है यहां पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं वर्ड्स हाईलाइटेड है वॉट यू हैव टू स्टेट वेदर इट इज अ फ्रेज और अ क्लॉज स्टार्ट करते हैं वी स्लेप्ट आफ्टर ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट हम सो गए आफ्टर ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट सब लोगों के जाने के बाद क्या हुआ किसने किया क्या किया डू वी नो दिस वी डोंट नो दिस देन दिस बिकम्स अ क्लॉज वाई बिकॉज गेस्ट सब्जेक्ट है और ये निकल गए हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो है ना सो दैट्स दिस इज अ क्लॉज दैट ब्राइट रेड कार बिलोंग्स टू द दाइवर्स दैट ब्राइट रेड कार तो यहाँ ब्राइट रेड कार तो ठीक है सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब है उस ब्राइट रेड कार का क्या नो, नो, वी डू नॉट सो दैट्स दिस इज अ फ्रेज य देख लेते हैं दे लव द फूड कुक्ड ऑन अ अबिक्यू अब यहाँ पे देखो कुक्ड ऑन अब क्यू तो cooked तो तुम्हारा वर्ब है ऑन अ बाबिक्यू लेकिन वॉट इज यू डोंट हैव अ सब्जेक्ट सो दिस बिकम्स अ फ्रेज We went to Kanha during the winter holidays. Now, Yahape, we is your subject. Went is your verb. It's a perfect combination of subject and verb. This becomes a clause. Australian food is different from what we eat in India. Australian food is different from what we eat in India. Now, from what we eat in India, so we is your subject. Eat is your verb, right? And it becomes a Clause, when we reached the station, the train had already arrived. Jabham station pohche train already ah, pohch chuki thi. So, ya pe the train had already arrived. Again, ya pe train is your subject, had already arrived is your verb. So, this is a complete clause. So, now types of phrases. अब फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं फ्रेजेस जो होते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं तो ये फ्रेजेस सेंटेंस में कभी नाउन की तरह एक्ट करते हैं कभी एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं कभी वर्ब की तरह कभी एडवर्ब की तरह कभी प्रपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं अब जैसे ये सेंटेंसेज देखो माई फ्रेंड एंड आई ट्रेवल्ड टू भोपाल बाई ट्रेन आई विल नेवर फोगेट माई सतपुरा ट्रिप

हम लोग किसी चीज से गए हैं यहाँ पे जो या फिर है माई फ्रेंड एंड आई यहाँ पे ये हाईलाइटेड है माई फ्रेंड एंड आई तो ये जो है ये क्या है ये सब्जेक्ट हो गया तो ये सब्जेक्ट के बारे में बात करें सब्जेक्ट क्या होता है नाउन होता है तो ये नाउन फ्रेज हो गया द हाईलाइटेड फ्रेज इन द सेकेंड सेंटेंस एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फॉर तो मतलब यहाँ हाईलाइटेड क्या है ये forget क्या डिड यू है तुम्हारा वर्ब वॉट डिड यू यूट माई सतपुरा ट्रिप यू विल नेवर नेोगेट वॉट माई सतपुरा ट्रिप तो यह है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड द हाईलाइटेड फेज इन दर्ड सेंटेंस एक्ट साइड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इन इन वॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन वॉट प्रपोजिशन के बाद आ रहा है इन वॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया दिस पिकॉक्स विध ब्यूटिफुल ब्लूर्स हमने एक पिकॉक देखी विथ ब्यूटिफुल ब्लू फेदर्स क्या ये पिकॉक को डिस्क्राइब कर रहा है यस डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं एडजेक्टिव तो ये फ्रेज क्या हो गया एडजेक्टिव फ्रेज हो गया वी सेटल्ड इन टू आर न्यू होम वी सेटल्ड वेयर डिड वी सेटल कहाँ सेटल हुए हम इन टू आर न्यू होम तो ये आपको प्लेस बता रहा है आप कहाँ पे सेटल हुए कौन से वर्ब्स होते हैं जो प्लेस बताते हैं एडवर्ब्स होते हैं और एडवर्ब ये एडवर्ब फ्रेज हो गया

इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन में अगेन ये तुम्हें क्या बता रहा है टाइम बता रहा है अगेन ये एक एडवर्व फ्रेज है जो तुम्हें बता रहा है वेन आर दे कमिंग बैक शी वॉज वर्किंग विथ ग्रेट कौशन अब यहाँ पे देखो विथ ग्रेट कौशन वो काम कर रही थी बहुत ही कॉशंस लेके मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम ध्यान से काम कर रही थी तो ये तो मैं बता रहा है हाउ वाज़ शी वर्किंग नाउ हाउ अगेन आंसर द क्वेश्चन कि वो कोई काम किस मैनर में कर रही थी ये हो गया एडवर्व एडवर्व फ्रीज द बॉय विथ कर्ली हेयर इज माई ब्रदर नाउ द बॉय विथ कर्ली हेयर यहाँ पे यू आर माई ब्रदर ही इज माई ब्रदर उसकी जगह मैंने बोला द बॉय विथ कर्ली हेयर तो ये एक सब्जेक्ट की तरह एड कर रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है कौन सा बॉय यहाँ पे अगर विथ कर्ली हेयर विथ कर्ली हेयर वाला जो पार्ट है ये एड्जेक्टिव फ्रेज है द टॉल थिन मैन इज आर मैथ्स टीचर अब ये पूरा ही तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हुआ है द टोल थिन मैन द टॉल थिन मैन इज आर मैथ्स टीचर तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है माय ग्रैंड मदर इज वुमन ऑफ ग्रेट लर्निंग अब यहां पे माय ग्रैंड मदर को उसने हाईलाइट किया हुआ है तो माय ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा नाउन फ्रेज हो जाएगा अगर फ्रेजेस में आपको डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है नहीं अभी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है प्लीज लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पे आपको वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज फ्रेज़ेस की एक्सरसाइज सब कुछ मिलेगी आपको क्लैरिटी हो जाएगी एंड यू वोंट एनी डाउट्स इन दिस ओके बिकॉज वी नीड अ लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस वेन इट कम्स टू ग्रामर नाउ यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन जैसे है बिहाइंड द कैबिनेट शॉर्ट लेग्स फॉर अ होल ईयर अ फैट पिगलेट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल तो यहाँ हमने इसके सेन्टेंसेज फॉर्म किए हैं मैनी अदर पार्लियामेंटेरियंस आर ऑल्सो बिहाइंड कैबिनेट मतलब बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि कैबिनेट के पीछे हैं दॉर्स विथ शॉर्ट लेग्स कुड नॉट रन फास्ट तो हमने शॉर्ट लेग्स यूज़ किया कि जो घोड़ा है जिसके छोटे पैर हैं वो नहीं फास्ट दौड़ पाता फॉर अ होल ईयर ही वॉज इन द बेड फॉर अ होल ईयर आफ्टर ही गॉड एक्सीडेंट या फिर हम इसको एक काम करते हैं आफ्टर ही मेट विद एन एक्सीडेंट लिखते हैं ये ज्यादा अच्छा साउंड करेगा मदर पिग पिगलेट क्या होता है पिग का बच्चा सो जो मदर पिग है उसके पास एक फैट पिगलेट है वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल शी was वर्किंग हार्ड विद वेरी strong एंड पावरफुल विल ओके अब यहां पे आपको एक डायरी एंट्री दे रही है किसी भी दिन की जहाँ पे आप हॉलीडे आपने बहुत एक्साइटिंग डे स्पेंड किया है अपने हॉलीडे में ओके सो लेट्स बिगिन ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्स एट पी एम तो हमने टाइम डेट और डे मैंशन कर दिया इट वॉज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई समर हॉलीडेज आई वेंट टू द वॉटर पार्क विद माई फैमिली आई एन्जॉयड अ लॉट तो ये जो था मेरी समर हॉलीडेज का फर्स्ट डे था एंड वेयर डिड आई गो वॉटर पार्क और मैंने वहाँ बहुत इन्जॉय किया We went there. We started at 8 a.m. Reached at 10 a.m. A, a two-hour journey. हम लोग आठ बजे निकले थे. दो घंटे में हम पहुंच गए थे. It was a two-hour journey. When we reached at the park, we enrolled our names. जैसे ही हम पार्क में पहुंचे, हमने अपने नाम enroll किए. Bought our tickets. अपने टिकट्स खरीदे. And then my sister and I splashed water on each other. एंड एंजॉय डिफरेंट स्लाइड्स तो सबसे पहले जैसे हम वहाँ पहुंचे हमने नाम लिखे फिर टिकट खरीदे और फिर हम वहाँ से गए एक दूसरे के ऊपर पानी स्पलैश करने लग गए और फिर हमने बहुत सारी स्लाइड्स इंजॉय की वी देन सेट ऑन ट्यूब्स एंडल वी इंजॉयड एडमायर एंड वी इन्जॉय अ फैबुलस एंड मावल्स डॉल्फिन शो तो वहाँ पे हम लोग ट्यूब्स में बैठे पूल में इन्जॉय कर रहे थे फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मार्लस सा डॉल्फिन शो हो रहा था हमने उसे इन्जॉय किया देन वी स्टॉप बाई अ रॉयल रेस्टोरेंट एक रॉयल रेस्टोरेंट था वहाँ पर फिर हमने वहाँ पर बहुत मन भर के खाया वी एट टू आर हार्ट्स कंटेंट मतलब मन भर के खाया एंड देन टेम्पर्ड ऑफ़ टू आर हाउस और फिर हम वापस अपने घर चले गए आई हैड लॉट ऑफ फन विद माई फैमिली आई वु भूलूंगी हॉलीडेज पेन यू कैन राइट योर ओन डायरी एंट्री बिकॉज दिस इज अ वेरी इंफॉर्मल वे डायरी एंट्री में दिंगशन फॉर्मेट में क्या होता है ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू हैव टू राइट द डेट डे एंड टाइम डेट और डे को आप ek line may be likh sakte ho, or three different lines may be likh sakte ho. and then you want you can write dear diary or if you have named your diary you can write dear sakhi or anything and then write whatever you feel like it's a very informal way of writing so you do not have to use a formal language that's it so here we are done with this chapter thank you so much for being a wonderful audience i hope you understood the chapter well and uh, if you haven't visited a national park you should it is fun. Okay. And uh, do not forget to like, share, and subscribe. And visit our website magnetbrains.com. Go to courses, go to the class, whichever class you are in. Select the subject, select the topic, and your video will appear. This is very simple. And if you have any doubts, write it in the comment section so that I can help you out. Take care of yourself. I'll see you soon. Bye bye.